मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पंचायत सेगांव के समीप ग्राम बांडियापुरा के ग्रामीण जनों ने सेगांव मुख्यालय पर पहुंचकर प्रशासन से यह मांग की है कि अगर बांडियापुरा के मुख्य मार्ग पर रोड नहीं बनता है तो आने वाले किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामवासियों ने बताया, जब से गाँव बना है तभी से रोड का निर्माण नहीं है और खासकर बारिश के दिनों में कीचड़ होने से प्रतिदिन स्कूल पढ़ने जाने वाले छात्र छात्राओं को कीचड़ में से गुजरना पड़ता है और आए दिन इस मार्ग पर ग्रामवासियों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। वहीं इस मार्ग पर कई ग्रामीण घायल भी हो चुके हैं। यहां की आबादी लगभग 500 से अधिक है लेकिन प्रशासन इन सब समस्याओं से बेखबर है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हमारे गांव में रोड की बहुत समस्या है, बहुत साल से अभी तक रोड नहीं बना है और आए दिन घटनाएं होती रहती है। स्कूल वाले बच्चे बहुत परेशान होते हैं, स्कूल आने में बहुत बार कपड़े खराब हो जाते हैं और एक आदमी का पेट टूट गया है। डेली रोज न रोज घटना होती रहती है, इसलिए हम ये निवेदन करते हैं कि हमारे गाँव में जल्दी रोड बना जाए। अगर प्रशासन इस संबंध में अगर कार्रवाई नहीं करते तो आगामी चुनाव में हम वोट नहीं डालेंगे। क्या नाम लिखता? मैं राजेंद्र कन्नौजे, ग्राम बांडियापुरा सेगांव। कब से नहीं रोड बना? सर अभी तक जब से गांव का निर्माण हुआ है तब से अभी तक एक ट्राली मिट्टी भी नहीं डली। हम रोड के लिए आए हैं, हमारे यहाँ कई सालों से रोड खराब है और रोज आए दिन कई घटनाएं हो रही है और हमने जनपद में भी आवेदन दिया था, पंचायत में भी दिया और अभी हम तहसील में आवेदन देने के लिए आए थे। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कौन से गाँव की बात है? हम बांडेपुरा सेगांव में लगता है, जो सेगांव का मोहल्ला बांडेपुरा ग्राम है। कब से नहीं रोड बनाया? रोड कई सालों से कई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। क्या कहना चाहते हैं? अगर रोड नहीं बना तो क्या? रोड नहीं बनेगा तो आने वाले समय में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। क्या वोट नहीं डालेंगे? रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं दयाराम कन्नौजी। आज हमारे यहाँ सब जन इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हमारे यहाँ जैसे रोड की स्थिति बहुत खराब है, उसके लिए जैसे भूतपूर्व सरपंच साहब शांतिलाल भाई, जनपद सदस्य पटेल साहब और आने वाले चुनाव में हमको रोड नहीं बन पाएगा तो रोड नहीं तो वोट नहीं होगा, और क्योंकि ये मुरुंग से काम नहीं चलेगा और हमको परमानेंट रोड चाहिए, इसलिए जनपद सदस्य और भूतपूर्व सरपंच साहब को अवगत करवा रहे हैं और जनपद पंचायत में ज्ञापन सौंप रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।